योगी सरकार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाशों ने ऑफिस में घुसकर सरेआम एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। हम आपको बता दें कि मंगलवार की रात लगभग 10:15 बजे ध्रुव इंश्योरेंस कंपनी के मालिक व पूर्व सभासद रूप किशोर शर्मा अटल्ला चुंगी के समीप अपने ऑफिस रोजाना की तरह अपने कामकाज को अंजाम दे रहे थे कि अचानक बाइक पर दो युवक आए और रूपा पर गोलियां बरसाकर फरार हो गए। प्रत्यक्ष दर्शियों की माने तो बदमाशों ने 2 राउंड फायर किए, जिनमें से एक गोली रूपा के छाती पर वही दूसरी गोली गर्दन पर मारी गयी। वीडियो में रूप किशोर खून से लथपथ अचेत अवस्था में दिख रहे हैं। घटना की सूचना लगभग 15 मिनट बाद गश्त जा रही चेतक को एक स्थानीय व्यक्ति ने दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनंद फानंद में लहूलुहान हालत में घायल रूपा को टेम्पो के माध्यम से नियति हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद देर रात उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर पुलिस ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो इसलिए एहतियात के तौर पर रूपा के ऑफिस को बंद करवा दिया। हत्या की सूचना पर देर रात SSP प्रभाकर चौधरी और CO सदर राकेश कुमार व अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इधर SSP प्रभाकर चौधरी ने घटना के बारे में कहा कि जाँच की जा रही है, जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। इधर रूपा की मौत की खबर सुनकर उसके परिजन और परिचित भी सकते में हैं। उनके परिचितों का देर रात तक हॉस्पिटल में तांता लगा रहा। घटना के संबंध में एक स्थानीय साधु ने जानकारी दी। वहीं घटना स्थल पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने पत्रकारों को घटना के जल्द खुलासे की बात कही। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामानंद सरस्वती नागा बाबा। महाराज जी, क्या घटना हुई है आपकी? घटना ये थी कि मैं सामने आरती कर रहा था। आरती करने पर मैंने आवाज सुनी। आरती करने के बाद में आया था, यहाँ हल्ला मच गया, वहाँ की गोली मार दिया। तो 2 आदमी यहाँ पे जो मोटरसाइकिल खड़ी गया, जिस जगह पे मोटरसाइकिल थे भाग गए इधर अटल्ला की तरफ। आगे बाद में हमको कुछ नहीं मार। उन लोगों के आपने पहचाना है या नहीं? कुछ नहीं। मौके पर कितनी देर बाद पुलिस आई? पुलिस तो कम से कम 15 मिनट। आपके सामने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया? नहीं, हॉस्पिटल नहीं, यहाँ से लगा के नहीं लिया है। मेरे सामने थे। किसमें लगी? खम्भों में। ये वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में सूचना मिली थी एक व्यक्ति के मर्डर की। इसमें पुलिस मौके पर इनको हॉस्पिटलाइज कराया गया, वहाँ ब्रॉड डेड इनको बताया गया और इसमें घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया है। तो वहाँ पे शराब की बॉटल्स मिली है, 3-4 बियर की बॉटल्स मिली है, सिगरेट के पैकेट्स मिले। ऐसा लग रहा है कि 2-3 लोग थे जो आपस में दारू पिए, उसके बाद ये घटना की गई है। और मारने का उद्देश्य था, क्योंकि गोली ऐसी जगह लगी जिसे लग रहा है कि जो है वो पहले से प्लानिंग करके आए थे। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कुछ तथ्य हमारे संज्ञान में आए हैं, उस पर जाँच कर रही है पुलिस। जल्दी घटना का खुलासा किया जाएगा। थैंक यू। Now, the RCMC Group is coming up with an educational institution, elite new generation international school at Mathura. This institution will be known international facilities with high academic standards. The group is committed for its quality management and will regularly strive to touch hearts and shape life of the people.